रीवा नगर निगम परिषद में बीजेपी का कब्जा हो गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में रीवा नगर निगम अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराए गए, जिसमें 26 वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी के व्यंकटेश पांडे अध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के काफी करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें कि नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के अजय मिश्रा बाबा महापौर निर्वाचित हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने निर्दलियों से साठ गांठ कर सीट पर कब्जा कर लिया। यहाँ से बाहर ले गए और कल रात को ये ले आए और समदरिया होटल में रुकाया और वहाँ से जैसे अपहृत लोगों को छोड़ा जाता है, जेल से कैदी छोड़े जाते हैं, उस तरह से ले आकर कलेक्ट्रेट परिसर में छोड़ा। पूरी निगरानी थी, रीवा के समस्त जितने नेता थे भाजपा के, वो सब लगे हुए थे। इन्होंने जितना भी जो भी रंगा नाच खेला रीवा की जनता को दिख रहा है। हम तोड़ फोड़ खरीद फरोख की राजनीति हम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे, अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास करती है, वही कार्य